ये हाल दुनिया में तो हालात आया ही करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कहेंगे भाई हाल आया है, दो किस्म के हालात आते हैं, एक तो हालात आते हैं इंसान के बस से बाहर, जलजले तूफान सैलाब इंसान के बस से बाहर की चीजें हैं, इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक हालात आते हैं अदबाब में, तिजारत में, ज़राअत में, लेकिन मुसलमान और मोमिन वो होता है जो इन दोनों तरह के हालात में समझ लेता है कि यह हाल क्यों आया, और काफिर नहीं समझता कि यह हाल क्यों आया। सुनो, एक हदीस में फरमाया, कि काफिर पर आने वाले हालात ऐसे हैं जैसे किसी जानवर पर कोई हाल आ जाए तो जानवर नहीं जानता यह हाल क्यों आया, जानवर नहीं जानता। मैं मिसाल देता हूँ, आसान हो जाएगा। अगर आप जानते हैं भैंस दूध नहीं दे रही, भैंस दूध नहीं देती, तो उसके बच्चे को खोल कर लाते हैं, वो बच्चा भैंस के थनों में मुंह लगा देता है, भैंस बच्चे को देखकर दूध दे देती है, ये वो दूध छोड़ देती है तो बच्चे को ले जाकर बांध दिया जाता है और भैंस का दूध निकाल दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना, समझी मेरी बात? भैंस ने दूध रोक लिया, भैंस दूध नहीं दे रही है, उसके बच्चे को लाते हैं खोलकर, बच्चे को देखकर भैंस दूध दे देती है, पर बच्चे को ले जाकर बांध देते हैं दूध, और भैंस का दूध निकाल देते हैं। इस भैंस को भी खबर नहीं बच्चा क्यों लाया गया था, क्यों ले जाया गया, और बच्चे को भी नहीं खबर नहीं, रिवायत में है कि इस जानवर को नहीं खबर, फीमा अकीला व फीमा उर्सिला, क्यों खोला गया था, क्यों बांध दिया गया। कैसी अजीब, कैसी अजीब बात है। अगर हम गौर करें अपनी अपनी सब हम में से हर एक अपनी जिंदगी पर गौर करें तो कितनी आसानी से हमारे हालात हमें अल्लाह तक पहुंचा, हमें अल्लाह तक पहुंचा सकते हैं, कितनी आसानी से। तो फरमाया हदीस में कि काफिर की मिसाल जानवर की तरह है, जिसको बांध दिया जाए फिर खोल दिया जाए, वो नहीं जानता सीमा अकीला वफीमा उर्सिला कि क्यों बांधा गया था, क्यों खोल दिया गया। लेकिन मोमिन कि अगर इसको बांधा जाएगा किसी हाल में, फौरन समझ जाएगा कि मुझसे फला गुना हुआ है, उस गुना की वजह से हालात आए हैं, गुना की वजह से ये हालात आए हैं। इसलिए हमने आज किया कि अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के तारुफ के लिए हालात पेश आते हैं, अल्लाह के तारुफ के लिए हालात पेश आते हैं, अल्लाह मामले हालात आते इसलिए हैं ताकि मोमिन इन हालात से हमें पहचाने, इन हालात से हमें पहचाने। इसलिए फरमाया कि तुम्हारे चाहने से कुछ ना होगा जब तक अल्लाह ने चाहे। तो मैंने एक बात शुरू से अर्ज की है कि सारे मलाइका, सारे अंबिया, सारे औलिया, इन सब को अल्लाह ताला अपने इरादे में नाकाम इसलिए कर देते हैं ताकि वो अल्लाह को याद कर लें, अल्लाह को याद रखें। सबसे बड़ी सल्तनत और सबसे ज्यादा इख्तियारात और ऐसी मखलूक पर इख्तियार जिस मखलूक पर अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार नहीं दिया, वो अल्लाह ने इख्तियार दिए हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को। हवा पर भी इख्तियार, हवा पर भी इख्तियार दे दिया। हवा तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा कवी मखलूक है, कवी मखलूक है। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को भी मुसख्खर कर दिया, हवा को भी मुसख्खर कर दिया, जिधर को चाहे उधर को चले,
जिनको चाहें उधर को चले। अल्लाह ने हवा को उनके लिए मुतखर कर दिया, जिधर को चाहे उधर को चले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का जो फजल होता है ना, अल्लाह का फजल वो इम्तिहान के लिए है, इत्मीनान के लिए नहीं है। अल्लाह का फजल इम्तिहान के लिए है, अल्लाह का फजल इम्तिहान के लिए है कि हमने सुना अलैहि सलाम को जो कुछ भी दिया है उनके उनके इम्तिहान के लिए दिया है। तो जब एक नबी को सारी मखलूक पर इख्तियार, जिन्नात पर, शयातीन पर, इंसानों पर, परिंदों पर, हवा पर, सब पर इख्तियार और नबी को दिया और वो सारे इख्तियार लिए हैं इम्तिहान के लिए, भाई ध्यान से सुनना बात, वो सारे इख्तियार दिए इम्तिहान के लिए, तो बताओ इस जमाने में मुसलमानों में से जिसके बाद जो सबब है वो सबब इत्मीनान के लिए कैसे हो सकता है? सारे असबाब इम्तिहान, सारे असबाब इम्तिहान के लिए हैं, असबाब सारे इम्तिहान के लिए। सुमाय अलैहिस्सलाम से ने फरमाया कि बिलकिस्सा तख्त कौन यहाँ हाजिर कर सकता है? एक ने कहा कि आप अपने मजलिस से खड़े नहीं होंगे कि तख्त आ जाएगा। दूसरे ने कहा नहीं, ये तो बहुत देर है, आप पलक झपकिए, आंख झपकिए, तख्त आ जाएगा। ये वो तख्त सामने आ गया तो फरमाया हाजा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन क़ाल हाजा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है मेरी आजमाइश के लिए, मेरी आजमाइश के लिए। मैंने अर्ज किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला जो असबाब देते हैं वो आजमाइश के लिए देते हैं, मेरे रब का फजल है मेरी मेरी आजमाइश के लिए। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह ख्याल हुआ कि जब अल्लाह ने मुझे इतने असबाब दिए, अल्लाह ने मुझे इतने अख्तियार दिए, क्यों ना मैं इन अख्तियार को अल्लाह के काम के लिए इस्तेमाल करूं? देखो भाई सुनो दोस्तों, हमें जो असबाब मिले अल्लाह की तरफ से, तिजारत के, ज़राअत के, मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें, हम समझते हैं कि ये सारे असबाब महज मेरी दुनिया में गुजारे के लिए है, महज दुनिया में मेरे मेरे गुजारे के लिए। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को दुनिया में असबाब देकर ये देखना चाहते हैं कि ये इन असबाब को, चाहे वो असबाब माल की लाइन के हों, या वो असबाब ओहदे की लाइन का हो, या वो असबाब तिजारत और ज़राअत की लाइन के हों, यही असबाब को मेरे हुक्मों पर कितना इस्तेमाल करता है, मेरे लिए तकाज़ों पर कितना इस्तेमाल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूब कुव्वत दी, खूब असबाब दिए, आला नस्ल की बीवियां दी, आला नस्ल की बीवियां दी। ख्याल ये हुआ कि क्यों ना ये सारे असबाब अल्लाह के दीन के लिए और उसके रास्ते के जिहाद के लिए इस्तेमाल हो। तो ख्याल ये आया कि अपनी औलाद में से 100 मुजाहिद अल्लाह के दीन के लिए तैयार करूं, अपनी औलाद में से 100 मुजाहिद अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए तैयार करूं। यह ख्याल आया कि अपनी औलाद में से 100 मुजाहिद अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए तैयार करूं। इस इरादे से 100 बीवियों से सोहबत की, 100 बीवियों से 100 बीवियों से सोहबत की कि 100 मुजाहिद अल्लाह के रास्ते के लिए तैयार हों। अल्लाह की शान, 100 बीवियों में से एक बीवी को हमल ठहरा, 99 बीवियों को हमल नहीं ठहरा।
سنو غور سے بات. حالانکہ نیک ارادہ ہے, حالانکہ نیک ارادہ ہے, یہ سو تاجر سو عہدیدار نہیں چاہتے, یہ سو مجاہد چاہتے تھے, یہ سو مجاہد چاہتے تھے. اللہ کی شان, ایک بیوی کا حمل ٹھہرا, 99 کا حمل نہیں ٹھہرا. حالانکہ ارادہ کتنا اچھا, ارادہ کتنا اچھا ہے. فرشتے نے کہا ارادہ کرنے کا وقت کہ انشاءاللہ کہہ لو, لیکن سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تم اگر اللہ تعالی سے اللہ کی قدرت کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو, اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف کرو. سلیمان علیہ السلام نے دو بیویوں سے صحبت کی, ایک کو حمل ٹھہرا, 99 عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرا, اور یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. یہ حمل بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا. اللہ نے دکھلا دیا کہ تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. دیکھو بہت دھیان سے بات سنو, تم نے ہماری چاہت پر موقوف کیے بغیر اپنی چاہت سے کام کرنا چاہا. تو سو بیویوں میں سے ایک کو حمل ٹھہرا, وہ بھی ضائع ہو گیا. دایا نے لا کر وہ گوشت کا لوتھڑا لا کر اس نے کرسی پر ڈال دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہیں کہ تم نے اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف کیوں نہیں کیا. سمجھ گئے, فوراً سمجھ گئے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر میرے بھائی سلیمان اس موقع پر انشاءاللہ کہہ لیتے تو سو کی سو بیویوں سے بیٹے پیدا ہوتے, اور وہ سارے کے سارے ان کی جہاد کے مطابق اللہ کے راستے کے مجاہد, اللہ کے راستے کے گھڑ سوار بنتے. یہ فرمایا. مطلب آج کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں ناکام کیا جاتا ہے اللہ کے تعارف کے لیے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ آپ ہماری تین باتوں کا جواب دے دیں, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ یہ بتا دیں اصحاب کہف کون تھے.